दोस्तों आप सब कैसे हैं, स्वागत है आप सभी को आज के इस नए वीडियो पे। आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा आप अपने वीडियो पर किस तरीके से व्यूज ला सकते हैं। जैसे कि सब कोई चाहते होंगे, आप भी चाहते होंगे, मैं भी चाहता हूँ अपने वीडियो पर व्यूज लाना, तो आप ऐसे बहुत सारे तरीका देखे भी होंगे कि किस तरीके से व्यूज बढ़ाया जाता है, लेकिन आप उस तरीके को इस्तेमाल किया है, उस ट्रिक को इस्तेमाल किया है लेकिन आपका काम में नहीं बना, आपका वीडियो पर व्यूज अभी तक नहीं आ रहा है। आज की वीडियो में आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगा कि आपका वीडियो पर 11 निगाह साथ व्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। आप भी अगर मेरा पहले का वीडियो देखेंगे, मेरा पहले का जितना सारा व्यू है बहुत नीचे जा रहा था, लेकिन वही कांटे की अगर बात करें ना तो वो बहुत ऊपर ऊपर जा रहा है, ट्रेड कर रहा है, बहुत अच्छा खासा ऊपर में जा रहा है। ऐसे बहुत सारा वीडियो जो कि मेरा रैंक कर चुका है, ऐसे बहुत सारा वीडियो जो कि अच्छा खासा व्यूज आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको सभी वीडियो पर आ जाएगा, अभी तक मेरा भी वीडियो सभी वीडियो पर व्यूज नहीं आता अच्छा खासा, लेकिन ऐसे बहुत सारा वीडियो है जिन वीडियो पर अच्छा खासा व्यू आता है। मैंने कुछ तो किए होंगे ना, तो आपको भी कुछ करना होगा। आप भी नया क्रिएटर है या फिर जो भी है, आपको वीडियो पर व्यूज नहीं आता है तो आपको भी कुछ करना होगा, थोड़ा सा मेहनत करना होगा। जो मेहनत मैं खुद करता हूँ वही मेहनत मैं आपको बताऊंगा आपको क्या क्या करना है, जिसके कारण जो है कि आपका व्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे पहले मैं आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो का लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दिए, इस चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब बाद में करना, वीडियो पसंद आए आपका अगर काम में लगे कि ना सही है तब जाके चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक बात मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, आप अगर मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर मेरे को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ आप किस तरीके से अपना वीडियो पर व्यूज ला सकते हैं। तो सबसे पहले बात आता है यूट्यूब में अगर व्यू बढ़ाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको वीडियो को अपलोड करना होता है। सबसे पहली बात जो है कि अपलोड जो है कि आपको अच्छी तरीके से करना होगा। अपलोड के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, जैसे कि आपका क्या होता है टाइटल भरना होता है, साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन भरना होता है, टैग भी भरना होता है। ये सारा चीज़ अगर अच्छे से नहीं भरते हैं तो आप अपना वीडियो पर व्यू जो है कि इंक्रीज नहीं कर सकते, व्यू बढ़ा नहीं सकते। तो आपको कैसे भरना है सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद किस तरीके से टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग कहाँ से लगाएंगे कि आपका वीडियो पर व्यू जाना स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा यूट्यूब में, ठीक है ना। यूट्यूब में जाने के बाद जैसे आप वीडियो को अपलोड करते हैं सेम उसी तरीके से आपको प्लस वाला सिंबल में क्लिक करना है, उसके बाद अपलोड ए वीडियो के ऊपर क्लिक कर देना है। सिंपल सा बात है, आपको भी पता होगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो है उस वीडियो को मैं अपलोड करके दिखा रहा हूँ। मेरा एक दोस्त का चैनल है कलाम इंडिटेक, उसी चैनल में आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप जब भी वीडियो को टच कर लेते हो तो यहाँ पर आपको क्या बताया जाता है, क्रिएट ए टाइटल, ऐड ए डिस्क्रिप्शन, या आपको यहाँ पर दिया जाता है अनलिस्टेड करके, तीन ऑप्शन दिया जाता है, तीन चार ऑप्शन दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर जो अनलिस्टेड वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपको अनलिस्टेड करके रखना होगा। यहाँ पर आपको नहीं पब्लिक करना है, ना ही आपको प्राइवेट करना है, ना ही आपको शेड्यूल करना है, आपको यहाँ पर चार ऑप्शन मिल जाता है। अब अनलिस्टेड करने का भी तो कुछ फ़ायदा होगा। अनलिस्टेड करने का फ़ायदा ये है, जैसे कि आप कोई भी वीडियो अपलोड कर देते हैं चैनल में वीडियो अपलोड कर देने के बाद अगर हो सकता है कोई इस वीडियो के ऊपर वीडियो के अंदर कोई गलती रहता है तो क्या होगा, आधा घंटा बाद अगर कोई गलती रहता है तो क्या होगा, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा और आप उस वीडियो को डिलीट कर सकते हैं। आपका जो व्यूअर्स है उसके पास पहुँचेगा भी नहीं, आप उसको डिलीट कर सकते हैं, तो आपका कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा आपका व्यूअर्स के ऊपर, आपका चैनल के ऊपर, है ना। तो अनलिस्टेड करना सबसे बेटर है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर टाइटल वगैरह डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ नहीं भरना, सीधा आपको यहाँ पर नेक्स्ट करके आपको यहाँ पर अपलोड वाला बटन में क्लिक करके अपलोड कर देना है, ठीक है ना। अब जब भी अपलोड कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि ऊपर में देख सकते हैं मैंने उस वीडियो का अपलोड कंप्लीट कर दिया, उसके बाद आपको करना क्या होगा, आपको जाना होगा YT स्टूडियो में। आपको पता होगा YT स्टूडियो, तो सीधा बात है आपको YT स्टूडियो में जाना है। YT स्टूडियो में जाने के बाद आपको करना क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। अब जब भी YT स्टूडियो में आ जाएंगे, आने के बाद आपको करना क्या होगा, जैसे कि मैंने ये वीडियो अभी अपलोड किया हूँ, तो अपलोड कर देने के बाद आपको करना क्या होगा, इस वीडियो के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपको पेंसिल वाला बटन में क्लिक कर देना है। पेंसिल वाला बटन में क्लिक कर देने के बाद आपको सबसे पहले दिया जाता है टाइटल। यहाँ पर पेंसिल वाला बटन में क्लिक कर देने के बाद आपको करना क्या होगा, सबसे पहले दिया जाता है टाइटल, तो यहाँ पर इसको डिलीट कर देना है। अब डिलीट कर देने के बाद बात आता है आपका टॉपिक, जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना है, जैसे कि मैं आपको क्या बताया वीडियो पर कैसे व्यू बढ़ाए। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर टाइटल भी भरना होता है। टाइटल क्या भरेंगे, टाइटल कैसे भरेंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको जाना होगा यूट्यूब में। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यूट्यूब में जाएंगे। अब यूट्यूब में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार में सर्च करना होगा वीडियो पर व्यूज कैसे लाए, जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पर लिख देना होगा व्यूज कैसे बढ़ाए, व्यूज कैसे बढ़ाए। यहाँ पर व्यूज कैसे बढ़ाए सर्च करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा वीडियो शो कर गया। पहले एक वीडियो है, टॉप पे एक वीडियो है, सेकंड पे वीडियो है, थर्ड पे वीडियो है, ऐसे बहुत सारा वीडियो मिल जाता है। उसके बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ को ध्यान देना होगा, यहाँ पर व्यूज कैसे बढ़ाए लिखे हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारा कीवर्ड नज़र आ जाएगा। ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा कीवर्ड नज़र आ जाएगा, जैसे कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए 2020, हाउ टू इंक्रीज यूट्यूब व्यूज एंड सब्सक्राइबर, ये बहुत सारा आपको कीवर्ड जो है कि ऊपर में दिख जाता है। तो अब आपको टाइटल कैसे भरना है, टाइटल भरने के लिए सबसे पहले एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा, टाइटल आपको ये भर देना होगा यहाँ पर, जैसे कि मैं
लिख दिया व्यूज कैसे बढ़ाए, ठीक है ना, व्यूज कैसे बढ़ाए, तो ये आ गया यूट्यूब पर व्यूज कैसे बढ़ाए। तो आपको करना क्या होगा, ऊपर में जो आया है इसको आपको कॉपी करना है। अब कॉपी कर देने के बाद सीधा बात है आपको यहाँ पर जाके इसको, जैसे कि यहाँ पर आपको आना है, आने के बाद आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना होगा। पेस्ट कर दिया, क्या हुआ, एक आपका टाइटल बन गया। अब दूसरा टाइटल कैसे लेना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर स्पेस देंगे, यहाँ पर एक ये लगा देंगे। उसके बाद आपको दूसरा टाइटल लेने के लिए फिर से आपको YouTube में जाना है। अब YouTube में जाने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पर सर्च किए हैं हिंदी में व्यूज कैसे बढ़ाए, YouTube वीडियो पर व्यूज कैसे बढ़ाए। अब आपको यहाँ पर सर्च करना होगा हाउ टू इंक्रेज व्यूज़ ऑन यूट्यूब, हाउ टू इंक्रेज व्यूज़ ऑन यूट्यूब। यहाँ पर सर्च करेंगे तो और भी बहुत सारा कीवर्ड जो है कि आपके सामने नज़र आ जाएगा। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर जो ऊपर में आ रहा है इसको आपको कॉपी करना है। कॉपी कर देने के बाद इंक्रेज आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर देने के बाद क्या हुआ, आपका दो नंबर टाइटल बन गया, यानी कि दो टाइटल आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको करना क्या होगा, आप अगर और भी टाइटल लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर सर्च करेंगे हाउ टू इंक्रीज व्यूज ऑन यूट्यूब। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है। सर्च कर देने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पर टॉप पर एक वीडियो रैंक कर जाता है, यानी कि आ जाता है टॉप पे, सेकंड पे, थर्ड पे, ऐसे बहुत सारा वीडियो आ जाएगा। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको दिखना होगा कि ये जो बंदा है टॉप पर जिसका नाम आया है, जिस चैनल का नाम आया है, उसका टाइटल कितना तक सही है, किस तरह का टाइटल उन्होंने दे के रखा है। तो आपको करना क्या होगा, उनका जो टाइटल है उन टाइटल को कॉपी कर लेना है। जैसे कि हाउ टू गेट मोर व्यूज़ ऑन यूट्यूब, इन्होंने क्या लिखा है, हाउ टू गेट मोर व्यूज़ ऑन यूट्यूब। तो आपको करना क्या होगा, उस कीवर्ड को आपको टाइटल में भर लेना होगा। ये रहा आपका टाइटल का, टाइटल की बारी, यानी कि आपको टाइटल कुछ इसी तरीके से भरना होगा, ठीक है ना। ये रहा टाइटल। अब बात आता है आप डिस्क्रिप्शन कैसे भरेंगे। डिस्क्रिप्शन से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, टैग भरना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टैग नहीं भरते तो आपका सर्च में नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी टैग रन नहीं करेगा तो आपका वीडियो सर्च में आएगा भी कैसे। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको टैग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। अब बात आता है टैग कैसे भरेंगे, टैग भरने का भी तरीका होना चाहिए ना, अच्छा खासा तरीका, सही तरीका होना चाहिए। अब आपको टैग भरने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर सेम प्रोसेस है, आपको यहाँ पर जाना है हाउ टू इंक्रीज व्यूज़ ऑन यूट्यूब, इसको लिखना है। यहाँ पर जितना सारा कीवर्ड आता है सारे कीवर्ड को आपको कॉपी करना है। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट कर देने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पर जितना सारा कीवर्ड है एक एक करके जो भी ऊपर में आता है अच्छा लगता है उस कीवर्ड को करना क्या होगा, आपको यहाँ पर टैग में भर देना होगा। जैसे कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक टैग को यहाँ पर भर देते हैं। अब दे दिया, देने के बाद आपको करना क्या होगा, ये रहा एक तरीका टैग भरने का। अब दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर फिर से आप YouTube में जाएंगे। अब YouTube में जाने के बाद फिर से आप वही सर्च करेंगे। सर्च कर देने के बाद जो वीडियो पहले आएगा, जो एक नंबर पे आता है, दो नंबर पे, तीन नंबर पे आता है, तो सबसे पहला जो वीडियो आता है उन वीडियो के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। उन वीडियो पर करना क्या होगा, यहाँ पर थ्री लाइन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब क्लिक कर देने के बाद ये जो वीडियो टॉप पर आता है ना, उनका वीडियो का जो लिंक को कॉपी कर लेना होगा। जैसे कि यहाँ पर शेयर में क्लिक करके कॉपी लिंक के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको करना क्या होगा, वो बंदा कौन कौन सी टैग फिल करके रखे हैं अपने वीडियो पर, क्या क्या टैग डाले हैं, क्या क्या कीवर्ड डाले हैं, सारा चीज़ आप देख सकते हैं, एक ही बार में उसको कॉपी कर सकते हैं। तो इनके लिए आपको करना क्या होगा, इनके लिए जाना होगा आपको टैग यू नाम का एप्लीकेशन में, जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। आप चाहे तो उसका लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको टैग यू में क्लिक कर देना है। टैग यू में क्लिक कर देने के बाद आपको करना क्या होगा, इसको ओपन करेंगे। ओपन कर देने के बाद आपको यहाँ पर गेट टैग्स फ्रॉम URL आपको यहाँ पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना होगा। पेस्ट करेंगे तो जितना सारा कीवर्ड है, यानी कि जितना सारा टैग उन्होंने डाल के रखा है अपने वीडियो पर, जितना सारा टैग डाला है सारा टैग जो है कि यहाँ पर एक ही बार में शो हो जाएगा और एक ही बार में भी आप उसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको क्या होता है ना कि जब भी पेस्ट करेंगे लिंक को पेस्ट करने के बाद यहाँ पर बहुत सारा कीवर्ड आ जाएगा, यानी कि टैग्स आपके सामने आ जाएगा। आपको करना क्या होगा, आप चाहे तो यहाँ पर एक ही बार में भी कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि साइड में देख सकते हैं, एक ही बार में कॉपी करके आप क्या कर सकते हैं, एक एक करके भी भर सकते हैं। तो ये रहा दूसरा तरीका आपको टैग भरने का, ये रहा मैं आपको बता दिया। आपको एक चीज़ और पर ध्यान देना होगा यूट्यूब में जाके, जैसे कि मैं आपको क्या बताया, हिंदी में भी सर्च करेंगे जो भी टैग भरना चाहते हैं अपना वीडियो के लिए, वो आपको हिंदी में भी टाइप करना होगा। जैसे कि आपका हिंदी का व्यूजर्स बहुत होता है, हिंदी में भी बहुत सारा ऐसा बंदा है टाइप करता है, तो आपको हिंदी में मतलब क्या होता है कि ऐसे लिखेंगे कि वीडियो पर व्यूज़ कैसे लाए, इंग्लिश में ही होगा लेकिन आपका जो कि लिखने का तरीका होगा कि हिंदी में होगा, ठीक है ना। आप उस तरीके से करेंगे और इंग्लिश में भी करेंगे तो क्या होगा, अच्छा खासा, यानी कि दोनों टैग अच्छे से भर सकते हैं इस तरीके से। तो ये रहा दो तरीका टैग भरने का। अब आपको करना क्या होगा, वॉइस हिस्ट्री में जाने के बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको मिल जाता है अनलिस्टेड का बटन, डिस्क्रिप्शन का बटन। तो सिंपल सा बात है, डिस्क्रिप्शन में आपको क्या भरना होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ कीवर्ड भरना होता है। अब कीवर्ड क्या भरेंगे, जितना सारा आप टैग डाले हैं सारे टैग को करना क्या होगा, यहाँ पर डाल देना होगा। कैसे डालेंगे, जैसे कि एक टैग को यहाँ पर ले लेते हैं, तो जितना सारा यहाँ पर कॉमा लगा के रखे हैं, यहाँ पर पेस्ट कर दिया,
तो जितना सारा कॉमा है ना, सारे कॉमा को काट देना है और लाइन बाय लाइन एक एक करके नीचे नीचे लगा देना है। हो गया, ये रहा दो तरीका। आप इसको भी भर देना है डिस्क्रिप्शन, आप चाहे तो इसका रिलेटेड यहाँ पर आपको लिख देना होगा योर क्यूरियस या फिर योर टैग रिलेटेड, रिलेटेड टैग्स कुछ इस तरीके से लिख कर आपको जितना सारा टैग है ना और भी कीवर्ड जो है कि आप इसका रिलेटेड आप भर सकते हैं। ये रहा दो तरीका डिस्क्रिप्शन भरने का, आप कुछ इस तरीके से डिस्क्रिप्शन भर देंगे। अब बात आता है अनलिस्टेड, प्राइवेट और पब्लिक। अब पब्लिक कब करेंगे, जब भी आपको यहाँ पर आपको थंबनेल का बटन दिया जाता है, थंबनेल लगा देते हैं। थंबनेल लगा देने के बाद यहाँ पर टाइटल भी कंप्लीट हो चुका है आपका, डिस्क्रिप्शन भी कंप्लीट हो चुका है, टैग भी भर दिया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधा बात आप अनलिस्टेड की जगह में जाकर आपको यहाँ पर पब्लिक के ऊपर क्लिक करके सीधा आपको यहाँ पर पब्लिक कर देना है। पब्लिक कर देंगे आपका काम खत्म। अब बात आता है कि वीडियो पर व्यूज आएगा भी ऐसे। हाँ भाई, वीडियो पर ऐसे ही व्यू आता है। अगर नहीं आता है तो और भी एक तरीका है जो मैं आपको आने वाला वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर नहीं काम करता है तो मेरे को बताना, मेरे को कमेंट करके पूछना कि भाई काम नहीं कर रहा है ये ट्रिक। लेकिन ये भाई आपको ये ध्यान रखना होगा, आपका सभी वीडियो पर ऐसे काम नहीं करेगा। ऐसे होगा आप 5 वीडियो बनाए हैं, 10 वीडियो बनाए हैं, उनमें से एक वीडियो जो कि रैंक करना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वही वीडियो रैंक कर लेता है ना, 10 वीडियो में से एक वीडियो रैंक कर लेता है, तो उनके थ्रू क्या होगा, जितना सारा वीडियो है सारे वीडियो पर व्यूज आना स्टार्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा 10 वीडियो में एक वीडियो कभी ना कभी आपको रैंक में लाना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, जिस तरीके से मैं आपको बताया सेम उसी तरीके से आपको करना होगा। आप अगर इस तरीके से कर लेते हैं तो गारंटी के साथ आपका व्यूज आना स्टार्ट हो जाएगा। और नहीं आता है तो मेरे को कमेंट करके पूछना, कमेंट करके बताना, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आपका व्यूज बढ़ाने का तरीका क्या है, व्यूज कैसे बढ़ा सकते हैं अपने वीडियो पर, ठीक है ना। तो आज की वीडियो इतना ही था और ये जानकारी इतना ही था। आपको अगर ये जानकारी पसंद आए या फिर ये वीडियो अच्छे लगे होंगे, जैसे कि मैं आपको पहले बताया था कि आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का घंटी को भी बजा देना। तो फिर मिलता है अगला वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।